हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो लेक्चर है वो टोटली डेडिकेटेड है थर्मल स्ट्रेसेस के ऊपर। जैसे कि नाम आपको सजेस्ट कर रहा है कि थर्मल स्ट्रेसेस मींस टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से जो स्ट्रेसेस हमारी प्रोड्यूस होंगी उनको हम बोलेंगे थर्मल स्ट्रेसेस। लेकिन कंडीशन है कि जो भी एक्सपेंशन होगा ड्यू टू टेम्परेचर चेंज या कॉन्ट्रेक्शन होगा दैट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, तभी हम वहाँ पे स्ट्रेसेस की बात करेंगे। इससे रिलेटेड कई बार गेट एग्जाम में प्रीवियस जो आप क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे सपोज करो उन्होंने पूछा आपसे कि एक रॉड जो है किसी मेटेलिक रॉड को अगर फ्रीली उन्होंने एक्सपैंड कर सकती है वो और उसको हीट कर रहे हैं तो उसमें कितनी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। तो जाहिर सी बात है जब तक उस रॉड का जो एक्सटेंशन है या कॉन्ट्रेक्शन है जब तक वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा उसमें स्ट्रेस की वैल्यू कोई प्रोड्यूस नहीं होगी, यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये हमें याद रखना है कि जब तक एक्सपेंशन को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे या कॉन्ट्रेक्शन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगी। हाँ, लेकिन साथ ही साथ उस मटेरियल में या उस कंपोनेंट में हमें चेंज इन लेंथ जरूर मिलेगी, चाहे वो इंक्रीज हो रही हो चाहे वो डिक्रीज हो रही हो। एज वी ऑल नो दैट कि जब भी मेटेलिक पीसेज हैं उनको हीट किया जाता है, ठीक है, यानी कि उनका टेम्परेचर रेज करते हैं तो उनके लेंथ में इलॉन्गेशन होता है, और वहीं पर उनका टेम्परेचर अगर डिक्रीज किया जाता है तो उनकी जो लेंथ है उसमें डिक्रीज हमें मिलता है। इवन लेंथ क्या, जो उसकी अदर डायमेंशन जो होंगे लेटर डायमेंशन वहाँ पे भी हमें जो चेंज इन डायमेंशन है वो हमें मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम स्पेशली लेंथ को लेके बात करेंगे, इसलिए मैंने जो वर्ड यूटिलाइज किया वो पहले लेंथ को यूटिलाइज किया। तो हम वन बाई वन करके बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम थर्मल स्ट्रेस जो इंड्यूस हो रही है, थर्मल स्ट्रेन जो हमें मिल रहा है या कॉम्पोनेंट में जो स्ट्रेन मिल रहा है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो लेट सपोज कि यहाँ पे देखिए थर्मल स्ट्रेसेस की डेफिनेशन जो है वो मैंने मेंशन कर रखी है। मटेरियल्स एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली मेटल्स विद राइज और फॉल इन टेम्परेचर। हाउएवर इफ दिस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन इज होली और पार्शली रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रेसेस सेटअप इन द बॉडी। मैंने ये ग्रीन से अंडरलाइन भी इसको कर रखा है, वो इसलिए कर रखा है कि आपको ध्यान रखना है कि जब तक कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा बॉडी के अंदर कोई भी स्ट्रेस जो है वो डेवलप नहीं होगी। ठीक है, हम डेरिवेशन की बात करते हैं। हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक रॉड है जिसका लेंथ है एल नॉट और उसका टेम्परेचर जो है उसमें चेंज आ रहा है कुछ डेल्टा टी का। और ध्यान रखिए हमने बोला कि इनिशियल टेम्परेचर जो है वो टी आई है और फाइनल टेम्परेचर को हमने कुछ टी एफ से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, और हम जो चेंज इन टेम्परेचर है उसको हम यहाँ पर डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइनल टेम्परेचर को हम यहाँ पे ज्यादा मान रहे हैं और इनिशियल टेम्परेचर हमारा कम है। तो जाहिर सी बात है जो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है यानी कि वो राइज इन टेम्परेचर को लेके उसकी वजह से हम या इंक्रीज इन टेम्परेचर जो हो रहा है वो हमारा रॉड के अंदर हो रहा है। यहाँ पे इंक्रीज की जगह डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन करने का तरीका दोनों का सेम ही रहेगा, बस इंक्रीज होगा तो एक्सपेंशन होगा, डिक्रीज होगा तो कॉन्ट्रेक्शन होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे टी आई टी एफ की वैल्यू दोनों हमने लिखनी है। अब देखिए लेट अल्फा, अल्फा हमें यहाँ पे जरूरत पड़ी है जो कॉफिशियंट ऑफ थर्मल लीनियर एक्सपेंशन जो होता है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो होता है उसके लिए हम बात करते हैं अल्फा की। ये हमने अपने बेसिक लेवल पे इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसको यूज कर रहा हूँ। अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन फॉर द मटेरियल ऑफ द रॉड। तो आगे हम देखते हैं किस तरीके से स्ट्रेन और स्ट्रेस को हम इसमें फॉर्मूला जनरेट करते हैं जिससे हम उन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाए। अब हम बात करते हैं जो हमारा कॉफिशियंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, उसके साथ ही हमने बोला कि टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज होने के बाद में जो रॉड है उसकी जो फाइनल लेंथ है वो कुछ एल हो जाती है। तो एल की वैल्यू हम किस तरीके से यहाँ पे देंगे या किस तरीके से लिख सकते हैं, दैट एल इक्वल टू एल नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें कि चेंज इन लेंथ जो है वो रॉड के अंदर कितना होगा, तो आप देखिए राइट हैंड साइड में अगर ब्रैकेट को ओपन करें तो दिस इज एल नॉट प्लस एल एल नॉट एल्फा डेल्टा टी। इस एल नॉट को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए तो एल माइनस एल नॉट का डिफरेंस होगा वही आपको क्या प्रोवाइड करेगा, डेल्टा एल की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम उस डेल्टा एल को लिख सकते हैं एंड दैट विल बी एल नॉट एल्फा डेल्टा टी, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड में ये पार्ट और ये मल्टीप्लाई होकर जो आएगा वो रिमेनिंग बचाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से चेंज इन लेंथ की जो वैल्यू है वो हम देते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द रॉड। अब हम यहाँ से स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने बोला कि जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, तो हमने यहाँ पे जब वैल्यू पुट करके डेल्टा एल की सॉल्व किया तो दिस इज सिंपली एप्सिलॉन इक्वल टू एल, दिस इज अल्फा डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, कभी कभी ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली एग्जाम्स में कॉम्पिटिशन पॉइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में वहाँ के डायरेक्टली ये दे दिया जाता है आपको कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे।
इसी तरीके से अब हम बात कर सकते हैं कि जो थर्मल, अगर हम उसके एक्सपेंशन को, यहाँ पे हम टेन इंक्रीज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर हम उसके एक्सपेंशन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, यानी कि जैसे ये रॉड है, अगर मैंने इसको दो सपोर्ट्स के बीच में इस तरीके से फिक्स कर दिया और इसका टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसके एक्सपेंशन के लिए क्या है, उसको प्लेस नहीं मिलेगा, तो ये क्या होगा, सपोर्ट्स के ऊपर एक कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें स्ट्रेस इंड्यूस होगी। और वो स्ट्रेसेस कैसे होंगी, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। तो वही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो स्ट्रेस इंड्यूस होगी उसकी वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं। फ्रॉम द हुक्स लॉ वी नो दैट सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू हमें पता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर मटेरियल का पता है तो उसको यूज करके हम सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारी फाइनल फॉर्मूला जो है, वो थर्मल स्ट्रेस जो इंड्यूस होगी मटेरियल के अंदर, वो उसके लिए ये फॉर्मूला है, दैट सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन डेल्टा टी। अब हम इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एंड दिस क्वेश्चन इज सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस कई बार 2 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपका यूनिवर्सिटी पैटर्न है उसके हिसाब से, या लास्ट क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन के साथ में किसी क्वेश्चन की आपको दे सकते हैं। सिंपली क्वेश्चन जो है, अ रॉड इज 2 मीटर लॉन्ग एट अ टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ द रॉड व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड टू 80 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा, इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, उसका टेम्परेचर रेज कितना हो गया, 80 डिग्री सेल्सियस। ये वर्ड हमेशा ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे कभी कभी रेज्ड टू की जगह पे आपको दिया हुआ हो सकता है रेज्ड बाय। रेज्ड बाय का मतलब होगा यहाँ पे कि डायरेक्टली आपको चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि 10 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर चेंज हुआ, तो यानी कि डिफरेंस कितना हो गया यहाँ से 70 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे अगर आपको बोलता है यहाँ पे कि रेज्ड बाय 70 डिग्री सेल्सियस, तो डायरेक्टली वो आपको क्या दे रखा है, चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस तरीके के क्वेश्चंस में, उसको हमें ध्यान रखना है। इफ द एक्सपेंशन इज प्रिवेंटेड, अगेन देखिए एक्सपेंशन को रोका गया है, देन फाइंड द स्ट्रेस इन द मटेरियल ऑफ द रॉड, टेक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू 100 गीगा पास्कल एंड अल्फा इक्वल टू पॉइंट, दिस इज 0.4 टाइम्स 0 12 पर डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा अल्फा की वैल्यू हमेशा आपको पर डिग्री सेल्सियस में गिवन होगी, तो इस न्यूमेरिकल में ये डाटा जो है, ठीक है, अभी हम बात करते हैं आगे कैसे हमें सॉल्व करेंगे। जो वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है, उन वैल्यूज को आप लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके, और आगे इसका सोल्यूशन जो है सिंपली आपको फॉर्मूले पता ही है दोनों, स्ट्रेन की वैल्यू हम चेंज इन लेंथ की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा नॉट एल नॉट इंटू अल्फा डेल्टा टी, हमें एल भी पता है अल्फा भी पता है, और चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, पुट करके आप यहाँ से चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं। वहीं पर स्ट्रेस की वैल्यू हमें निकालनी, तो ई वैल्यू से ई हमें गिवन है, तो ई अल्फा डेल्टा टी को यूज करके आप यहाँ से सिग्मा की वैल्यू जो है उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ऐसे सॉल्व करिए और जस्ट उसके बाद में वीडियो पॉज करने के बाद इसका सोल्यूशन जो है वो आप देखिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका क्वेश्चन जो है उसका हम जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ जो गिवन वैल्यूज हैं, आपको एल नॉट पता है, टी आई पता है, टी फाइनल पता है, ई पता है, अल्फा पता है, डेल्टा एल का फॉर्मूला यूटिलाइज करिए, सॉल्व करिए, यू विल गेट द वैल्यू एज 1.68 mm। और वहीं पे स्ट्रेस इंड्यूस की अगर हम बात करेंगे, तो दिस ई एप्सिलॉन सॉरी ई अल्फा डेल्टा टी, सारी वैल्यूज पुट करिए, इसे सॉल्व करिए, यू विल गेट दिस इज 84 मेगा पास्कल वैल्यू, ठीक है। अब हम इसके आगे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम इसको इसके बारे में बात करते हैं। और इस तरीके के जो क्वेश्चन है वही नॉर्मली एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं। कैसे, देखिए अब कॉम्पोजिट बार क्यों बोला है आगे हमें पता लगेगा, मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील, यहाँ पे एल्यूमिनियम और स्टील दो डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बनाई हुई है, इसलिए इसको कॉम्पोजिट बार बोला है। इज हेल्ड बिटवीन टू सपोर्ट्स एज शोन इन फिगर, फिगर आपको ये गिवन है, द बार्स आर स्ट्रेस फ्री एट द टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से देखिए, बोला है कि जब टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है तो उनमें कोई भी स्ट्रेस नहीं है। वॉट विल बी द स्ट्रेसेस इन द टू बार्स वेन द टेम्परेचर इज 21 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिए, इनिशियल टेम्परेचर जब था वो 38 डिग्री सेल्सियस था, और फाइनल टेम्परेचर क्या है, 21 डिग्री सेल्सियस, और उस टाइम से हमसे पूछा है कि स्ट्रेसेस कितनी इंड्यूस होंगी। लेकिन साथ ही साथ इसमें दो कंडीशन भी गिवन है, क्या कंडीशन है, पहली कहता है कि द सपोर्ट्स यील्डिंग, एंड बी पार्ट में हमें दिया है द सपोर्ट्स कम नियर टू ईच अदर बाय 0.1 mm। इसको हम बोलते हैं दैट सपोर्ट्स आर यील्डिंग, ये जो ऊपर वाला पार्ट है द सपोर्ट्स आर नॉट यील्डिंग, दिस इज नॉट आर यील्डिंग, दिस इज
आर नॉट यील्डिंग, यहाँ पे नॉट लगा लीजिएगा, द सपोर्ट्स आर नॉट यील्डिंग, और दूसरे में है सपोर्ट जो है उनमें यील्डिंग हो रही है. क्या मतलब होता है समझते हैं. इट कैन बी एज्यूम्ड दैट द चेंज ऑफ टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म ऑल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बार. कुछ डाटा गिवन है, आगे हम देखते हैं. मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी वैल्यू स्टील के लिए भी गिवन है, एल्यूमिनियम के लिए भी गिवन है. अल्फा की वैल्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन भी गिवन है आपको स्टील के लिए और एल्यूमिनियम के लिए भी गिवन है. ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे. देखिए ये जो यील्डिंग का मतलब क्या है, जो सपोर्ट्स है हमारे दे आर ऑल्सो मेड बाय सम मटेरियल. तो जो टेम्परेचर चेंज होता है उसकी वजह से ये सपोर्ट्स जो है, इन सपोर्ट में भी कुछ जो इनकी थिकनेस होगी, उनकी लीनियर डायमेंशन जो होगी अलॉन्ग द ये जो लेंथ है उसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि उनमें भी चेंज हो सकता है. तो उसी को हम बोलते हैं सपोर्ट्स का यील्ड होना, यानी कि चेंज इन द लेंथ ऑफ द सपोर्ट्स व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों चीजें हो सकती हैं यहाँ पे. अब हम बात करते हैं आगे इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे. तो ध्यान से देखिए डायग्राम यहाँ पे आपको गिवन है. 60 सेंटीमीटर का स्टील पार्ट है, 30 सेंटीमीटर का यहाँ पे जो है वो एल्यूमिनियम पार्ट है. डायमीटर्स का गिवन है आपको 50 mm, उसका 25 mm. हमने स्टील पार्ट को 1 माना, उसको माना 2. यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं व्हेन सपोर्ट्स डू नॉट यील्ड. सपोर्ट डू नॉट यील्ड का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया कि सपोर्ट्स की लेंथ में यानी कि इनकी थिकनेस में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. तो हमने बोला कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, अब देखिए टेम्परेचर कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है इनकी लेंथ में क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन आएगा. तो स्टील में कितना कॉन्ट्रेक्शन हमें मिलेगा, हमने उसको डेल्टा L1 से डिनोट किया. क्या वैल्यू हो जाएगी, L1 टाइम्स अल्फा 1 इनटू डेल्टा टी. सारी वैल्यूज पुट करी आप यहां से देखेंगे डेल्टा L1 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0.11934 mm. इसी तरीके से हम एल्युमिनियम वाले पार्ट में भी जो डिक्रीज इन द लेंथ है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे कैलकुलेट करें अभी देखते हैं हमसे. नेक्स्ट हमने बोला यहाँ पे कि जो डिक्रीज इन टेम्परेचर है उसकी वजह से एल्यूमिनियम में कितना चेंज इन लेंथ आता है, यानी कि उसमें कितना डिक्रीज आता है, वो हम निकाल सकते हैं. डेल्टा L2 हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, उसके लिए L2 अल्फा 2 इनटू डेल्टा टी वैल्यूज पुट करिए सारी. टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आएगा, 17 और वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू भी हमें 0.11934 mm मिली. ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, ये जस्ट कोइंसिडेंस है, जरूरी नहीं कि हमेशा ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी. आपको यहाँ पे इस तरीके से शायद मेरे ख्याल से दे रखा है ये वैल्यूज कि वो उसका फाइनल सॉल्यूशन करने पे हमें वो जो चेंज इन लेंथ है वो हमें बराबर मिल रहा है वहाँ पे. ठीक है, दूसरी चीज है टोटल डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द कॉम्पोजिट बार. अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से डिक्रीज इन द लेंथ इन द टोटल बार कितना हुआ हमारे पास, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 विच इज 0.23868 mm. ठीक है, आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं 3 places तक या 2 places तक, उसके बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे. अब देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो होगा क्या, यहाँ पर जो जो बार है हमारे जैसे यही है, यहाँ पे ये पार्ट है स्टील, ये पार्ट है एल्यूमिनियम का. जब ये सपोर्ट से साथ में इस तरीके से फिक्स है और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सपोर्ट्स को अपनी तरफ पुल करेगा. ठीक है, इसमें चेंज डिक्रीज इन द लेंथ आएगा, साथ ही साथ सपोर्ट्स क्या होंगे इसकी तरफ दोनों क्लोजर आ जाने, इसीलिए बोला है कि सपोर्ट्स जो है वो 1 mm से क्लोजर आ जाने. किस केस में, जब दूसरा केस सॉल्व करेंगे उस टाइम पे, अभी उनकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा. तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सपोर्ट्स को वापस अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेंगे. ठीक है ना, तो बाय द सपोर्ट्स यहाँ पे जो एक तरीके से बोल सकते हैं एक फोर्स जो अप्लाई होगा दोनों साइड, दैट इज टेंसाइल इन नेचर. और ध्यान रखिएगा जब हम थर्मल स्ट्रेसेस के टर्म में बात कर रहे होंगे तो ऐसे केसेस में जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हमारे होंगे यानी कि जो सपोर्ट पॉइंट होंगे वहां पे जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा होगा दोनों साइड रिएक्शन फोर्स, दैट विल बी इक्वल फोर्स. तो हमने बोला कि इक्वल फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है सपोर्ट्स की वजह से वो कितना होगा, उसको हमने बोल दिया पी. और यही पी जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देगा. अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देने के लिए क्या होगा, हम यहाँ से पी की वजह से इन दोनों पार्ट्स में जो चेंज इन लेंथ की वैल्यू है स्टील और एल्युमिनियम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, और जो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से डिक्रीज इन लेंथ हो रहा होगा तो दोनों के बीच में एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा कि एक टाइम पे जाके उनके बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा. उसी इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमें उस फोर्स की वैल्यू बतानी है कि वो फोर्स हमारा कितना इंड्यूस हो रहा है यहाँ पे. तो हमने उसे बोला कि दैट वैल्यू इज पी. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी दिस इज चेंज इन लेंथ ड्यू टू द सपोर्ट रिएक्शन, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, चेंज इन लेंथ ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज. तो हमने क्या करा, वैल्यू दोनों के लिए लिखी, पी L1 अपॉन A1 E1. ये वन पार्ट हमने स्टील को माना था और एल्यूमिनियम को टू पार्ट माना है. दूसरे के लिए हम निकालेंगे तो दिस इज पी L2 अपॉन A2 E2.
वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए 0.239, जब जो पहले जो हमने लिखा था इसको हमने राउंड ऑफ कर लिया है टेम्परेचर चेंज की वजह से जो चेंज इन लेंथ आया था हमारे पास वो वैल्यू को सॉल्व करिए तो यहाँ से आपको पी की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 24.50 किलोमीटर। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि जो दोनों पार्ट है उनमें स्ट्रेस कितना इंड्यूस होगा, तो जब हमें यहाँ पे रिएक्शन फोर्स की वैल्यू मिल गई एंड पॉइंट पे तो हम क्या कर सकते हैं इस पार्ट में भी स्ट्रेस निकाल सकते हैं यहाँ पे भी स्ट्रेस निकालते हैं जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में किया ही है। तो यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी पी की स्टील वाले पार्ट में भी और जो एल्यूमिनियम वाला पार्ट है उसमें भी जो फोर्स इंड्यूस हो रहा होगा टेंसाइल उसकी वैल्यू भी क्या होगी एक तरीके से दैट इज ऑल्सो पी। ठीक है और दोनों वैल्यूज पुट करके आप स्टील पार्ट में स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे दैट इज पी अपॉन ए वन एंड दिस इज 12.477 मेगा पास्कल और इसी तरीके से स्टील एल्यूमिनियम में जब हम बात करेंगे दैट इज सिग्मा 2 इक्वल टू पी बाय ए2 एंड दिस इज आल्सो 49.9 मेगा पास्कल। और ध्यान रखिए वो था टेंसाइल इन नेचर क्योंकि जो रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा दैट इज टेंसाइल। ठीक है एट द बोथ एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर सपोर्ट्स जो उनमें 1 mm का यील्डिंग हो जाए तो जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है इसके वजह से सपोर्ट्स आगे की तरफ भी आ रहे हैं तो नेट इफेक्टिव चेंज जो हम ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर की वजह से देखेंगे तो हम क्या करेंगे जो हमने टोटल चेंज इन डिक्रीज इन लेंथ निकाला है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर उसमें से 1 mm को हम माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं क्योंकि सपोर्ट्स दोनों क्लोजर आ जा रहे हैं तो नेट चेंज इन द लेंथ हमें कितना दिखाई देगा डिक्रीज जो भी हुआ है हमारा टेम्परेचर की वजह से माइनस ऑफ 1 mm उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारे पास टोटल चेंज इन टेम्परेचर की वजह से जो चेंज इन लेंथ हमें मिलेगा वो मिल जाएगा। तो हमने बोला कि इस केस में जो सपोर्ट रिएक्शन है वो हमारे पास कितनी इंड्यूस हो रही है जाहिर सी बात है वो कम होगी पहले के कंपैरिजन में कितना होगा वो हम आगे देखते हैं। तो हमने उसको कुछ P1 बोल दिया इस P1 की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में देखेंगे ध्यान से तो दिस इज P1 L1 अपॉन A1 E1 एंड दिस इज आल्सो दिस इज P1 दिस P1 L2 अपॉन A2 E2 सिर्फ यहां पे P की जगह P1 हो गया बाकी सारी वैल्यू सेम है और राइट साइड में क्या हो जाएगा 0.239 माइनस 0.1। ठीक है आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो P1 की वैल्यू दिस इज 14.20 किलोमीटर और जैसे ही हमें P1 की वैल्यू मिली आप यहाँ से स्ट्रेस की वैल्यू स्टील पार्ट में भी निकाल सकते हैं और स्ट्रेस इंड्यूस इन द एल्युमिनियम पार्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है आप देखेंगे यहाँ पे P1 की वैल्यू हमने P पहले निकाला था जो कहाँ है दिस इज वैल्यू ऑफ P विच इज जस्ट दिस 24.50 किलोमीटर। ठीक है और यहाँ पे देखेंगे दिस इज 14.20 तो जाहिर सी बात है अब हमारे पास P जो है वो डिक्रीज हो गया तो स्ट्रेसेस की वैल्यूज भी अपने आप जो है दोनों पार्ट्स में क्या हो जाएंगी कम हो जाएंगी। तो ये वैल्यू स्टील में हमें मिलती है 7.235 मेगा पास्कल और जो एल्युमिनियम पार्ट है उसमें मिलती है 28.94 मेगा पास्कल। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो थर्मल स्ट्रेसेस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं स्पेशली ये जो न्यूमेरिकल है इसको ध्यान रखिएगा इस तरीके के न्यूमेरिकल्स जो है वो एग्जाम में ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू।